हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोयास न्यूट्री लाइफ। आज हम लोग बनाएंगे शामिया। तो ये देखिए, शामिया बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनेगी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स मटन लिया है। नमक आपके स्वाद अनुसार ऐड करिए। हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड करिए। मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करिए। थोड़ा लहसुन ऐड करिए। थोड़े से कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड करिए। 50 ग्राम्स चने की दाल को भिगा लीजिए 1 आवर तक। अब हम ऐड करेंगे 50 ग्राम्स चने की दाल। एक प्याज चॉप करके ऐड करिए। पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे दालचीनी 3, शाजीरा 1/2 टीस्पून, इलायची 3 और अच्छे से मिक्स करिए। कुकर को गैस स्टोव पर रखिए और गैस स्टोव ऑन करिए। मटन को गलने तक पका लीजिए। मटन को हाई फ्लेम पर पकाइए। थोड़े से कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड करिए। 2 टीस्पून दही ऐड करिए। मटन गलने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए कूल होने के लिए रख दीजिए। पका हुआ मटन ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। काजू 8, बादाम 8, थोड़ा खोपरे को आप उसे रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करा हुआ बादाम, काजू, खोपरे को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, हमारा पाउडर तैयार है। मटन ग्राइंड होने के बाद काजू, बादाम, खोपरा का पाउडर ऐड करिए और अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए, हमारा डव तैयार है। अब हम इसमें एक लेमन जूस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करिए। इसी तरह से शामी बना लीजिए। ये देखिए, शामी तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 1/2 कप ऑयल ऐड करिए। अब हम इसमें शामी डालेंगे। शामी को अच्छे से फ्राई करिए। लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करिए। ये देखिए, हमारे शामी फ्राई हो चुका है। ये देखिए, हमारे शामिया तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज लग रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई न्यू वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।